दोस्तों आज हम आए हुए हैं एक पावर लूम फैक्ट्री में, कारखाना आप यहां पर देख सकते हैं। पहले आप इस मशीन को देखिए, ये बहुत ही कमाल की मशीन है। इसको अभी हम चला के दिखाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये वाले जो धागे हैं, यहां से एक एक धागा इसके द्वारा, यहां से ये जो जगह बनी हुई है या कह सकते हैं छोटे छोटे रैक से बने हुए हैं, इनसे एक एक धागा करके जैसे ये निकल रहा है, यहां से निकलता है, इसके बाद फिर एक एक धागा यहां से निकलता है और ये धागा डिजाइन के अनुसार निकलता है। यानी कि जो भी डिजाइन आपको बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग ये धागा यहां से होते हुए और इस रोल के नीचे से होते हुए इस मशीन में बंध जाएगा और उसके बाद ये मशीन चलती है। सामने हमारे आप देख सकते हैं राशिद भाई हैं जिनका ये कारखाना, इनसे बातचीत करेंगे। राशिद भाई, आपका ये कारखाना कितना पुराना है, आप पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तकरीबन सन 2013 के लास्ट में लगा था, नवंबर दिसंबर में। अच्छा, और यहाँ पर बेसिकली क्या क्या चीजें बनती है? एक तो गद्दों के कवर बनते हैं, उसके अलावा भी कुछ और बनाते हैं, वही मेन काम है? मेनली वही काम है, गद्दों के कवर का काम स्टार्ट होता है यहाँ पर, जब से शुरू हुआ है अभी तक वही चल रहा है। वही चल रहा है। चलाने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जी जी, ये कंट्रोलर पे पैर रखेंगे इस पर। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों एक देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जो व्हील है या ये मशीन है ये चल रही है और ये इस पे एक एक करके धागा लिपट जाएगा ना राशिद भाई, है ना? हाँ हाँ, ये जैसे अच्छा, मान लीजिए 150 धागे चल रहे हैं। जी जी जी, इसी तरह से हमको मान लीजिए 2000 धागों के अगर चाहिए, रूल पूरा सेटअप तैयार चाहिए, यानी 2000 मीटर कपड़ा बनाना है। जी जी, तो इसी तरह से हम इसको सेट करेंगे, उतने ही धागे इस पर लगा देंगे। ओके ओके, अच्छा जब ये पूरे इस पे लिपट जाएगा, मतलब ये मशीन पर लिपट जाएगा, उसके बाद वो जो रोल उधर रखा हुआ है दोस्तों, वो जो छोटा सा रोल है वो उसके ऊपर कैसे लिपटेगा, वो उसका क्या प्रोसेस? जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। जी जी, जैसे 2000 धागे की हमें पूरी तानी करनी है। जी जी, जी। जब 2000 धागे हमारे इधर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद बैंड बांधकर यहाँ से फिर उधर जाएंगे स्टार्ट, मतलब उधर की तरफ, फिर इधर का काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर वो उस पर लिपटने शुरू हो जाएंगे, लिपटेगा उधर जाकर। ओके ओके, अच्छा दोस्तों इधर भी देख सकते हैं, ये इनका एक कह सकते हैं कि एक मीटर रखा हुआ है और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप नंबरिंग देखिएगा, ये लिखा हुआ है 1000, ये 250, है ना, ये यही है ना 25-50। इसका बेसिकली मतलब मैं समझा देता हूँ, जब ये पूरा रोल कंप्लीट हो जाता है, ये इस साइड को चलता है और जब ये रोल पूरा कंप्लीट हो जाता है और फिर आके एक रोल यहाँ पर रुकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन ने 1000 मीटर कपड़े के धागों को लिपेट दिया है या 1000 मीटर के कपड़ा यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसको यहीं बांध देना, यही बांध दूंगा इसको, तो दिखाई देगा ना। इस तरह से धागे पूरे हो जाते हैं ना हमारे, तो इस तरह से हम जब देख लेते हैं रीडिंग पूरी हो गई है, इसी तरह बांधते हैं हम। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होता है, ऐसे ही बांध देते हैं धागों को। अच्छा, जब रीडिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप ऐसे बांध देते हो? ऐसे बांध देते हैं धागों को, ठीक है ना, इसको दे देते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा, एक बार ये मशीन को आप राशिद भाई चला के दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये देखेगा दोस्तों किस तरीके से ये मशीन चलती है और ये यहाँ पर ये पेन बेल्ट के द्वारा मोटर से ये कनेक्टेड है और ये देखेगा इस तरीके से ये मशीन चलती रहती है और इसके ऊपर जो धागे हैं वो लिपटते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, ये भी सिर्फ छोटा हिस्सा धागों का हमने इस पे लपेट रखा है ताकि धागों को वेस्ट ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखेगा, और उसके बाद सीधा जब ये इस मशीन पे जितने भी हमें कपड़ा बनाने का धागा लपेटना है उसके बाद तुरंत इस वाले रोल पर वो धागे लिपट जाते हैं और वो पूरा रोल तैयार हो जाता है। यहाँ से रोल तैयार होने के बाद तुरंत बाद हम लोग चलते हैं उधर जो मशीनें रखी हुई हैं उस साइड में। तो दोस्तों यहाँ से रोल तैयार होने के बाद इस साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मशीन किस तरीके से काम कर रही है और ये जो बेड जो गद्दे होते हैं, मैट्रेस होते हैं, उनके कवर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर अंकल जी हैं जो ये इस मशीन को रन करते हैं, चलाते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? शाहिद। शाहिद, कितना समय हो गया आपको ये काम करते करते? जिंदगी गुजर गए, मतलब आप स्टार्टिंग से ही इसी काम को करते हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये जो ये शटल है ना, ये घूमती है। अच्छा, ये इसके बारे में बताइएगा किस तरीके से डिजाइन कहाँ से बनता है, क्या चीज होती है, वो सारी चीजें बताइए हमें। डिजाइन बनता है, इसका बनता है चैन से, ये चैन लगी हुई है, चैन से डिजाइन बनता है, कैसे डिजाइन बना लो, चैन बनाने को ठीक है। दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए ये जो चैन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली ये जो चल रही है, मैं जो मशीन रुकी हुई है उसके बाद उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा सारी मशीनें एक जैसी हैं, यहाँ पर किसी मशीन में 1 2 3 4 5 पांच छेद हैं, किसी में 3 है, किसी में 3 है। तो बेसिकली इस मशीन का काम क्या होता है, ये जो
चेक तैयार हो रहा है, यानी कि जो भी कपड़ा आप तैयार कर रहे हैं उसमें क्या डिजाइन बनना है वो ये मशीन तय करती है। और जब ये मशीन चलती है तो वो चेन इस तरीके से घूमती है, ये देखिएगा इस तरीके से चेन घूम रही है और यहाँ पर ये डिजाइन बन रहा है। और इसके बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं शटल घूमती है एक धागे को लेकर, ये देखिएगा ये कभी शटल इस साइड में जाती है कभी इस साइड जाती है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये शटल रखी हुई है, ये शटल यहाँ से चलती हुई इसके अंदर से जाएगी। जैसे ये जब मशीन इधर देखा, एक बार कपड़े को ऊपर उठाती है एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे जाता है। और जैसे कपड़ा ऊपर नीचे जाता है ये देखिए जैसे ऐसे ऐसे करके जाता है और इसके बीच से ये वाला धागा निकलता है, यानी कि ये वाला जो धागा है इस कपड़े के ऊपर नीचे से निकलता है और डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए ये देखिएगा कैसे डिजाइन बन रहा है। अभी ग्रीन वाला धागा चला था, उसके बाद ये अब ब्लैक वाला चला, अब ये ऑरेंज वाला चलने लगा, ऑरेंज के बाद फिर ब्लैक आ गया, उसके बाद अब दूसरा आएगा, अब देखिएगा अब ये जब ब्लैक वाला कंप्लीट हो जाएगा ये भी देखिए ग्रीन कलर का आने लगा। तो ये शटल कोक का ही काम होता है यहाँ पर डिजाइन निकालना, यहाँ पर अलग अलग कलर की ये शटल रखी हुई है और ये डिजाइन बन रहा है। इसी तरीके से दोस्तों ये चादरें और ये जो बेड के जो गद्दे होते हैं, मैट्रेस जो होते हैं, उनके कवर, ये सारे इसी तरीके से तैयार होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप तमाम मशीनें ही मशीनें रखी हुई हैं। राशिद भाई का ये कारखाना है और अगर आप चाहें तो इनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ से आप ये कवर वगैरह भी खरीद सकते हैं। मैं इनसे आप राशिद भाई एक बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दीजिए ताकि किसी दर्शकों को अगर ज़रूरत हो तो आपसे कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हैं। एक बार इधर आ जाइए आप जी, बताइए। देखिए जो हमारा एड्रेस है वो मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर पड़ता है। जो लोकेशन है हमारी पांच का पुल अहमदनगर गली नंबर 14 राइट हैंड की। अच्छा अच्छा। नियर एचएम पब्लिक स्कूल। एचएम पब्लिक स्कूल। कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9837954386। एक नंबर ये है और दूसरा नंबर है 7669060370। ये दोनों ही नंबर अपने पास रहते हैं, जब मर्जी आप 24 घंटे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप यदि आपको कोई बेडशीट का ये गद्दों के मैट्रेस के जो कवर होते हैं वो चाहिए, चेन कवर, वो आप यहां से ले सकते हैं। और अभी मैं एक बार आपको सारी मशीनें दिखा देता हूं कि ये किस तरीके से चलती हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आता है इन मशीनों से उसको मैं दिखा देता हूं। अंकल आप एक बार ना ये मशीनें सारी चला दीजिए ताकि सारी मशीनें एक साथ देख सके। तो दोस्तों ये वो है फाइनल प्रोडक्ट जो इन मशीनों के द्वारा बनकर तैयार होता है और क्वालिटी वाइज जो कि मैं अभी यहां पर लाइव चेक कर रहा हूं बहुत ही बेहतर क्वालिटी है। आप यदि चाहें तो इनसे बल्क में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे ले सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं आप किस तरीके से अलग अलग डिजाइन के यहां पर ढेर लगा हुआ है और इधर ये पैकिंग रखी हुई है। अच्छा एक राशिद भाई वो चेन वाला भी दिखा दीजिए जिसमें चेन लगी होगी ना, लगी हुई है ना? अच्छा इनमें लगी हुई है सब, लगी हुई है ये सब चेन लगी हुई है सेटअप। अच्छा अच्छा देख सकते हैं ये देखिए सब में चेन लगी हुई है और ये बिल्कुल तैयार है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, देखिए शायद भाई पकड़िए जरा, ये गद्दे का कवर है पूरा, जो सिंगल बेड होता है डबल बेड होता है जी 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 मिलेंगे। अच्छा 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 अच्छा, सिंगल और डबल दोनों ही मिलेगा। ये देखेगा दोस्तों काफी बेहतर क्वालिटी है इनकी इनके पास और बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बेड का है ये। इसमें चेन लगी होती है देखिए ये पूरी चेन लगी हुई है देखिए ये री। ठीक 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 ये यहाँ से पूरी चेन लगी होती है एक साइड से गद्दे को कवरिंग करने के लिए उसके ऊपर चढ़ाने के लिए। अच्छा पूरी चेन लगी। ठीक 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 ठीक, इसे खोलेंगे फिर गद्दे के ऊपर पूरा चढ़ाएंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। ठीक है बहुत बढ़िया अंकल। एक बार हाउ रेंज वाइज ना, अच्छा इनका एक बार प्राइस और बता दीजिए। ये हमारे पास जो जैसे ये हल्का वाला है लाइन वाला ये 120 रूपए जोड़ा, दो 120 के। ठीक ठीक। और ये जाएगा तकरीबन 250 रूपए तक, मतलब अगर रिटेल में अगर किसी को भी रिटेल में असल में हम बल्क में ही काम करते हैं। अच्छा, हमारा अच्छा, बल्क अच्छा। नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है होलसेलिंग है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, तो इसलिए सिंगल पीस पर या दो पीस नहीं पर दे पाएंगे। हाँ ना 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 ठीक है। तो आप मतलब 120 के जोड़े के जोड़े से शुरुआत होती है 120 और कहाँ तक 250 तक चला जाता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अभी भारी क्वालिटी है अपने पास। अच्छा अच्छा ये भारी क्वालिटी होती है। अच्छा हाँ ये भारी है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका ये क्या 10 साल भी कपड़ा बिगड़ने वाला नहीं है। 10 साल भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अच्छा इसका क्या रेंज होगी?
ये 250 रुपए, ये 250 होता है। तो दोस्तों 120 से शुरुआत करके 250 की जोड़े तक की इनकी रेंज है, और आप चाहें तो यहाँ से इनके कॉन्टेक्ट डिटेल हमने दे ही दिए, उनसे कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। एक बार शाहिद भाई इसको आप चला के दिखा दीजिए मशीनों को। अच्छा, इस तरीके से यहाँ से धागा डलता है ये। अच्छा 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 अच्छा, जो टूट जाता है ना। अच्छा राशिद भाई, ये जो धागों की जो क्वालिटी होती है, ये कौन सी वैरायटी आप यूज करते हो? ये मेनली जो वैरायटी हमारे पास यूज होती है वो कॉटन बाय पॉलिस्टर होता है। अच्छा अच्छा, कॉटन भी और पॉलिस्टर भी मिक्स होता है ना? मिक्स होता है। अच्छा, 30% पॉलिस्टर, 30-35% पॉलिस्टर होता है। ओके। और बाकी 65-70% कॉटन होता है, मिक्स होता है। और ये आप मतलब सीधा कवर ही बना के बेचते हैं या कपड़ा भी दे सकते हैं? ये डिपेंड करता है पार्टी पर, वो कपड़ा लेना चाहती है, अदर यूज करना चाहती है कपड़ा ले सकती है हमारे से। अच्छा, अच्छा। और अगर उसको कवर ही लेने हैं तो कवर ले सकती है हमारे से, कुछ भी ले सकती है, जो उसकी मर्जी हो सकती है, डिपेंड करता है पार्टी पर।